आपका हमारे YouTube चैनल टेक्नो ट्रैकर में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस तरह के जो बर्तन होते हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, क्योंकि देखिए गर्मियां आ चुकी हैं, तो गर्मियां के अंदर ना बहुत सारी फुलवाड़ी ऐसी होती है जो बहुत जल्दी सूखती है अगर आप प्लास्टिक के किसी डब्बे में लगाते हैं। तो आज हम इस मिट्टी के बर्तन के अंदर एक ऐसी फुलवाड़ी जिसे नौबजिया फुलवाड़ी भी बोलते हैं और उसे बहुत सारे नाम ही हैं, और अगर मान के चलो आपको कोई एग्जैक्ट नाम पता है तो आप भी हमें बता सकते हैं। तो इस मिट्टी के तोले में लगाने का देखिए फ़ायदा क्या होता है कि पानी जैसे हम डालते हैं ना, तो प्लास्टिक का कोई जैसे डब्बा वब्बा होता है तो उसमें से क्या होता है, या तो उसके अंदर छेद करना होता है, या फिर छेद नहीं करते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर जो पानी है ना वो रुक जाता है। और इस मिट्टी के बर्तन में क्या होता है कि पानी, ये मिट्टी का बर्तन अपने आप पानी सारा सोख लेगा। तो इसके अंदर आज फुलवाड़ी लगा के दिखाते हैं कैसे कैसे लगानी है। तो पहले आपको तोला लेके उसके अंदर कोई भी मिट्टी का बर्तन है जो अनयूजुअल पड़ा हुआ है तो उसको पहले तो आप इस तरह से मिट्टी डाल लेंगे, कोई इकसार कर लेंगे। उसके बाद ये जो फुलवाड़ी है ये हम ले चुके हैं, और देखिए ये फुलवाड़ी कैसे होती है ये सारा कुछ दिखाएंगे। तो उसको लगाने के लिए देखिए ज़्यादा तो कुछ करना नहीं होता है, बस आपको धीरे धीरे इस तरह से यहाँ प्लेस कर देने, थोड़ा सा मिट्टी के अंदर दबा देने हर पौधे को, और उसके बाद जो यहाँ पे ग्रोथ होगी ना वो हम सारा कुछ आपको दिखाएंगे। तो पहले इसको इस तरह से यहाँ पे लगा लेते हैं, क्योंकि देखिए इसमें लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और देखिए ये फुलवाड़ी ना गर्मियों के अंदर, इसके अंदर ना 7-7 तरह के फूल आते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा पिंक कलर का फूल हो गया, वाइट कलर का फूल हो गया, येलो कलर का हो गया, तो इस तरह के बहुत सारे फूल आते हैं इसके कलर। और छोटे छोटे पौधे होते हैं, देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कमल के फूल हैं, लेकिन वो छोटे छोटे पौधे होते हैं, छोटे छोटे फूल होते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि देखिए आप जब यहाँ ग्रो हो जाएगी ना इस गमले के अंदर, तो इसको यहाँ से तोड़ के आप दूसरी जगह भी, यानी कि और इसको फैलाना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। क्योंकि देखिए ये इसकी ना छोटी सी जड़ ही काम कर जाती है, और वो जो जड़ है ना वो बहुत अच्छे तरीके से फैलती है। तो ऑलमोस्ट अभी देखिए ये यहाँ पे सारी लग चुकी है, और जो छोटी छोटी जड़ है ना उसको भी यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि देखिए वो भी हो ही जाएगी, सूखेगी तो क्या, क्योंकि एक तो इसको ना उस दिन आपको छाया के अंदर भी रखना होगा। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे लग चुकी है। तो कुछ इस तरह की कुछ बातें होती है। और जो मिट्टी आपको तैयार करनी है ना, मिट्टी देखिए ब्लैक मिट्टी हो तो उसके अंदर गोबर की खाद मिला के तैयार कर सकते हैं, या फिर जो खराब पत्ते होते हैं, नीम के पत्ते हो गए, तो इस तरह के जो पत्ते होते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स भी होते हैं जिन्हें तैयार करके ना आप मिट्टी को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और उस मिट्टी में क्या होगा कि जो पौधा ग्रो करेगा ना वो बहुत अच्छा होगा। तो अब ऑलमोस्ट लगने के बाद देखिए थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो पानी आपको ऐसे छिमकना है, एकदम से डालना नहीं, क्योंकि जब एक जगह पानी डालते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि सारी जो मिट्टी है ना वो बह जाती है, और पेड़ की जो जड़ है ना वो उखड़ जाती है। तो ये जो चीज़ें ना आपको इन चीज़ों का कुछ ध्यान रखना है। और इसमें क्या होता है कि सुबह शाम दोनों टाइम पानी चाहिए होता है, क्योंकि देखिए अब गर्मी है, पानी बहुत जल्दी सोखता है, और ये जो मिट्टी का बर्तन है ना ये भी पानी को बहुत जल्दी सोख लेता है। तो यहाँ पे जो पानी आपको डालना है ना, इस तरह की जो फुलवाड़ी है या किसी भी तरह की कोई भी फुलवाड़ी है, तो उसमें ना सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पानी डेली डालें, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं तो गर्मियों में पानी जो है ज़्यादा पीती हैं ये फुलवाड़ी है, जो मिट्टी जल्दी सूखती है। तो अभी ये ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुका है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे देखिए अभी इतना कुछ खास यहाँ पे ग्रोथ दिख नहीं रही है, लेकिन देखिए जब हम इसको कुछ टाइम बाद खोल के देखेंगे ना, तो हो सकता है कि जो ग्रोथ है ना वो बहुत अच्छी आपको यहाँ पे होती हुई दिखाई देगी। तो अभी इसको यहाँ पे रख देते हैं, उसके बाद देखते हैं 10 दिन बाद 12 दिन बाद क्या जो है यहाँ पे रिजल्ट निकल के आता है। तो यहाँ पे देखिए 10 दिन के बाद जो रिज़ल्ट है ना वो आपके सामने भी आ चुका है, पूरे अच्छे तरीके से जो जड़ है ना वो पकड़ चुकी है मिट्टी। और अब देखिए इसकी जो ग्रोथ है ना वो जैसे जैसे आगे होती रहेगी वो हम आपको दिखाते रहेंगे। और देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे ये पूरा फैल जाएगी इसके अंदर, तो आप उसको ना सेपरेट करके अलग जगह भी लगा सकते हैं, मतलब आपके पास कोई और भी गमला है, ये पूरे जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हैं ना अच्छे से इसकी जड़ फैल जाएगी। और जब इसके अंदर फूल आएंगे तो वो फूल आएंगे ना, तो ये जो गमला है वो इतना सुंदर लगेगा। और देखिए पूरा बड़ा बड़ा पौधा यहाँ पे अभी हो चुके हैं फिलहाल, ये जैसे आपको दिख पा रहा है, ये जितनी भी टहनियाँ ना देखिए बाहर लटकना स्टार्ट हो चुकी है कुछ टहनियाँ तो, और जो ये बाहर टहनी लटकेंगी ना, और जब टहनी लटकेंगी तो बाहर की तरफ ही इसके अंदर फूल आने वाला है, तो ये गमला और भी सुंदर यहाँ पे हो जाएगा।
और यहाँ पे दोस्तों हमने मनी प्लांट भी, जो कांच की चीजें हैं छोटी छोटी जैसे आपको देख पा रहे हैं, और इसके अंदर जो ग्रोथ है ना मनी प्लांट की वो बहुत अच्छी हो रही है। ये कैसे हमने लगाया ये वीडियो, वैसे भी हमने डाल दिया, अगर आप चाहते हैं दोबारा कोई नई वीडियो हम इसके ऊपर बनाएं तो वो भी हम बना देंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।